सीधे इस वक्त जो बड़ी खबर है आपको श्रीनगर लिए चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही है जीएसटी की। ये कुल मिलाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो अब वित्त मंत्री अरुण जेटली यहां पर कर रहे हैं। सबकी नजरें इस पर बनी हुई है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री। Oil has been decided at 18%, so has the category of coconut oil been decided, whether it's a hair oil or... I think it's a specific detail instead of going here. This is a 1211 item, it's better we put it on the day. Tax rate on gold, at least, gold. It's one of the six items to be discussed. Well, I think those who are dealing with the case, let them study it and take the next step. Mr. Jetley, there is on this side. Early in the day, there was an interview given by Mr. Jitendra Singh. So, Mr. Jitendra Singh was the minister in PMO. He had given an interview suggesting that because the situation here in the valley is not good and violence is spiraling out, are there any chances of replacing Mahbooba Mufti with a minister from, with chief minister from BJP? I have not heard of any such. There was an interview. Deepshika, the please letter asked. Not aware of any. Two questions from here. The please letter asked now. We are more or less clear that 28% broadly and luxury cars. There are different categories, particularly the luxury vehicles, will attract the sets also which goes into the compensation. So depending upon the size and this, when the detailed when the items are released to you, the net you will go through. One last question for Shishi. One question from here. Well, I can only say this, that well, that was the finance minister there at the end of the first. अरुण जेटली जो यहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे श्रीनगर में, साफ किया कि 81% आइटम्स पर 18% या फिर उससे कम टैक्स लगेगा। 19% आइटम्स ऐसे होंगे जो 28% का टैक्स उन पर लगेगा। गोल्ड और बीड़ी पर हालांकि चर्चा कल होगी। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और सोप पर 18% का जीएसटी यहां पर लगेगा और इस बैठक पर सबकी नजर लगातार बनी हुई थी। मेरे साथ हिमांशु कुमार हैं, फाउंडर हैं एंगल पैसा के, हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। सर, आप क्या कुछ सोचते हैं इस पर? देखिए, आज की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप दो चीज़ों को देखें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले थे। एक तो आपकी एग्जेम्पशन लिस्ट आने वाली थी, उससे ये पता चलता है कि बहुत ऐसे गुड्स है कि जो 0% के स्लैब में या 5% के स्लैब में, उसको जीएसटी में कहाँ ले जाके फिट किया गया। स्पेशली इसमें फूड ग्रेन्स हो गए और भी डेली यूज़ वाले बहुत ऐसे आइटम्स हैं जो कि हमारे एग्जेम्पशन लिस्ट में आने वाली थी। तो आज मेजर जो रिलीज होने वाला था कि लोगों को ये थी कि एग्जेम्पशन लिस्ट जो निकलेगी उसमें क्या क्या आइटम होंगे, अगर उस पर टैक्स लगता है तो 5% के स्लैब में जाता है या क्या होता है, ये एक देखने वाली चीज़ थी। साथ के साथ जो रेट है वो रेट ऑलरेडी फाइनल है, बट एक बार एक मुहर रखने की जरूरत थी कि वो रेट क्या होंगे। साथ के साथ जो कैटेगरी वाइज चीजें को डिक्लेयर करना था, अभी आपने जो दिखाया उसमें अप्रॉक्सीमेटली 1100 के आसपास आइटम पे टैक्स लगाया गया जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया। अभी भी बहुत ऐसे आइटम है जो कि शायद कल डिक्लेयर होंगे, स्पेशली गोल्ड हो गया, बीड़ी हो गया, कुछ ऐसे फूड ग्रेन्स भी है जो कि अभी भी डिक्लेयर नहीं हुए। तो ये कल डिस्कशन में हो सकता है कि कल सामने या लेट नाइट हो सकता है कि चीजें रिलीज की जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप इसको कैसे
टैक्स करते हैं, क्योंकि टैक्स करने के बाद उसकी प्राइसिंग उसी हिसाब से की जाएंगी। और अभी तक जो देखा गया, जो अरुण जेटली जी ने हमेशा कहा है कि फूड गेन्स आने वाले टाइम में कम होंगे, तो कहीं ना कहीं इसको या तो 5% के स्लैब में रखा जाएगा या एग्जेम्पशन लिस्ट में रखा जाएगा, वो एक देखने वाली चीज होगी। तो जब तक वो सामने नहीं आया था, कहना बहुत मुश्किल है कि किस चीज पे क्या टैक्स होगा, क्या परसेंटेज होगा। बट ये एग्जेम्पशन लिया जा सकता है कि जो डेली यूज वाली चीजें होंगी वो लोअर टैक्स की कैटेगरी में होंगी और एग्जेम्पशन लिस्ट की कैटेगरी में। बिल्कुल हिमांशु, और इसीलिए हम आपको बता दें कि हेयर ऑयल और सोप पर जो फिलहाल टैक्स लगता है वो 28% है, जो अब जीएसटी के दायरे में जब आ रहा है तो 18% है। और जैसा कि हिमांशु ने भी यहां पर कहा कि जो डेली एसेंशियल्स की चीजें हैं उन्हें यहां पर 18% की कैटेगरी में यहां पर करीब करीब रखा गया है। लेकिन अगर मैं कोल की खास तौर पर बात करूं तो जो करंट टैक्स रेट है वो 11.7% है, जिसे जीएसटी में यहां पर 5% रेट पर देखा जा रहा है। किस तरह का इंपैक्ट आप इसका इकोनॉमी पर देखते हैं? आई थिंक ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इसको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जितनी भी आज के डेट में एनर्जी सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ये कहीं ना कहीं इसकी प्राइसिंग कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आज मैं किसी भी अगर एक टन यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर अप्रॉक्सीमेटली 6% का गैप आ रहा है, ये गैप कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पास ही पास होगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया जिससे कि आप प्राइसिंग को कम होते हुए देखेंगे, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो कि लागत होता है वो कम होगा। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग की जो चीज़ें आज की डेट में जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, अच्छा हेयर ऑयल हो गया या सोप हो गया या शैम्पू, कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री से ड्रिवन हो रहा है और वहां पे ये चीजें मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं कोल की यूज हो रही है। तो जहां जहां कोल का इंपैक्ट आएगा, स्पेशली आप अगर आयरन की बात करें तो वहां एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे ये चीजें यूज हो रही है, कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आयरन ओर हो गया, तो वहां पे इसका जो प्राइसिंग है अप्रॉक्सीमेटली 3-4% में वेरिएशन जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो प्राइसिंग आती है इंक्लूडिंग टैक्सेस होते हैं, तो जो टैक्स अगर 11% का था वो 5% का हो जाता है, तो कल से आप मार्केट में आने वाले 2-4 दिन या 10 दिन या 1 महीने जब से इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आप उसके प्राइस को कुछ ना कुछ परसेंटेज नीचे जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे ये कस्टमर को ही फायदा होगा, एंड यूजर को ही फायदा होगा इसका। हिमांशु, एक और बात जो यहां पर वित्त मंत्री कह रहे थे कि जीएसटी आने के बाद करीब करीब 2 परसेंटेज पॉइंट की यहां पर ग्रोथ एक तरह से वो बात कर रहे थे कि देखने को मिल सकती है, जिस तरह से जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं या फिर कोल की बात यहां पर हमने की, और कहा यह भी जा रहा है कि अब जैसे गोल्ड और बीड़ी पर चर्चा या फैसला कर लिया जाएगा, ये जो इनसे क्या आपको लगता है कि उतनी जल्दी असर देखने को मिलेगा इकोनॉमी पर, या फिर थोड़ा समय लगेगा चीजों को सेटल डाउन होने में? देखिए, थोड़ा समय तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एंड ऑफ द डे इकोनॉमी पे इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए। अभी तक अगर पिछले एक साल के डिबेट्स को देखें तो रेट्स को लेकर हमेशा प्रॉब्लम थी। रेट्स को अगर 4 पार्ट में किया गया, इसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंस आपके इकोनॉमी पे आने वाला है। क्योंकि अगर जो प्रोडक्ट आज कॉस्टिंग है, एंड ऑफ डे बहुत ऐसे इनपुट है जो कि हम यूज नहीं कर पाते हैं। अब क्या होगा, जीएसटी आने से अब सर्विस टैक्स एक्साइज सब मर्ज हो जाने की वजह से इनपुट आउटपुट के कॉस्ट में बहुत ऐसी चीजें होंगी जो इनपुट में यूज हो पाएगी। इससे क्या होगा कि एक तो प्राइसिंग डाउन होगी, जो एंड ऑफ डे आने वाले 6 महीने और साल भर में आपको दिखने लगेगा, और साथ के साथ जो एक बहुत बड़ा ब्लैक इकोनॉमी जो चल रही थी उसको बहुत बड़ा हैम्पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो पैसा घूम के आपकी इंडस्ट्री के थ्रू या किसी भी तरह से आपके जो आपका डेली यूजेस सिस्टम है उसमें आएगा। साथ के साथ अगर ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स में एक सबसे बड़े जो चैलेंजेस अभी तक आ रहे हैं जिसको जीएसटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह यूज किया जा रहा है, बहुत से ऐसे वेंडर रजिस्टर्ड है जो जीएसटी में या जो अभी सेंट्रल एक्साइज या कस्टम जितनी भी तरह की चीजें हैं वहां रजिस्टर्ड नहीं होते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में जीएसटी में प्रोविजन लाया जा रहा है कि एक सर्टेन परसेंटेज, शायद वो 1% या 2% जिस पे भी अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा, 1% को कंपनी को ही डिडक्ट करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि कौन कौन से लोग सप्लायर हैं जो आज पता ही नहीं चल रहा। तो एक मान के चले कि जो भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनी पे आज 30,000-35,000 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें हो सकता है 10%, 5%, 20% लोग टैक्स पे नहीं कर रहे। आने वाले 6 महीने और साल भर में आप देखेंगे ये भी हमारी इकोनॉमी के अंदर आएंगे। साथ के साथ जो छोटे व्यापारी हैं जो कि अभी बहुत तरह की चीजें यूज करके रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे, आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं ये एक जीडीपी पे इंपैक्ट डालेगा। और आने वाले एक साल के अंदर आप ये तो नहीं कहें 2%, बट कुछ पॉइंट आप जरूर देखते हुए मिलेगा, और 1-2 साल में 1% से 2% से जीडीपी आपको अप जाते हुए दिखेगा। देखिए, मैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की जो बात कर रही थी यहाँ पर, फिर चाहे टूथपेस्ट हो, सोप हो, जिन सबकी हम बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि इनके मैन्युफैक्चरर्स को या इनकी बड़ी कंपनियों को जो पहले 28% टैक्स के बाद बाजार में यहाँ पर बेचते थे उसके बाद अब 18% टैक्स लग रहा है, तो उनके रेवेन्यू में किसी तरह का कोई अंतर नहीं? रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो भी रेवेन्यू हिट होगा वो गवर्नमेंट का होगा। जो अभी हम 18% या 20% या 30% जो भी दे रहे थे वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आपकी जो प्राइसिंग थी वो तो आप मान के चलेगा 10 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पे मैंने 18% का कॉस्ट लगाया तो 1.80 रुपए आ गए, पहले वो 2.80 रुपए थे। तो ये जो भी
प्रॉफिट हिलेगी वो गवर्नमेंट का हिलेगा, कंपनी प्राइवेट कंपनी को कहीं टैक्सेस से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट जीएसटी आने से कंपनी को फायदा ये होगा कि बहुत ऐसे जो इनपुट थे जो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे वो यूटिलाइज कर पाएंगे और अपनी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर पाएंगे ड्रास्टिकली। तो ये कंपनी के लिए भी बहुत विन-विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए बहुत विन-विन सिचुएशन है। बट जो जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि दो अहम मुद्दे हैं जिन पर आज फैसला यहाँ पर नहीं हुआ है, और जेटली साहब ने भी कहा कि एक बार फिर जो 9 में से 7 जो अहम बातें हैं उन पर नियमों पर मंजूरी जो है उनमें से 7 पर मिल गई है, लेकिन कौन से वो 2 नियम है अगर आप बताना चाहें दर्शकों को? नहीं, ये तो अभी मैंने देख नहीं पाया, मुझे भी नहीं, पूरे 9 रूल्स हैं जिसमें 7 हुए पर हैं जो अभी आपने न्यूज में चला, तो अभी ना उसका कोई स्पेसिफिकेशन आ रहा है, नई डिटेल आ रहा है, तो अभी मैं नहीं कह सकता कि वो 7 रूल पहले वाले हैं, बीच के हैं या लास्ट के हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि उस पर कौन कौन हो सकता है। एक वैल्यूएशन का रूल रह गया हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग को कैसे डिटरमाइन किया जाए, बाकी ये थोड़ी देर बाद ही पता चल पाएगा कि वो 7 रूल 7 रूल कौन कौन से जिसको अप्रूवल मिला है। एक अच्छी चीज ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर यहाँ पर 0% जीएसटी की बात कही गई है, और ज्यादातर वो वाले स्टेट्स जिन्होंने डिमांड की है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो पूजा का सामान है उसे टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है, तो और कुछ स्टेट्स हैं जो कॉटन यान और सिल्क यान पर जो टैक्स लगता है उन्हें इससे बाहर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं पर स्टेट्स को भी फायदा यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। देखिए, स्टेट को दो तरह से फायदा है। अभी क्या है, बहुत ऐसे लीकेज पॉइंट है जहाँ पे स्टेट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वो एक तरह से उसको बेनिफिट हो। साथ के साथ जैसे आपने यूपी और अलग स्टेट का बताया, अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी, एक प्रपोजल गया हुआ है, अप्रूवल अभी आया नहीं है, तो ये तो सेंटर ही डिसाइड करेगी किस चीज के ऊपर टैक्स लगाना और क्या नहीं लगाना, कमेटी ही डिसाइड करेगी, तो ये लेटर ऑन कल ही आपको पता चल पाएगा जब हमारे पास वो लिस्ट बाहर आ जाएगी किस प्रोडक्ट पे क्या रेट जा रहा है, पूजा वाले सामग्री पे कुछ लग रहा है, फूड गेम्स पे क्या लग रहा है, ये कल ही पता चल पाएगा। लेकिन बहुत तरह के प्रपोजल अलग अलग आप कम्युनिटी से, अलग अलग फैटर्निटी से, स्टेट से आए हुए हैं कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिसको जैसे मिल्क का ही एक आइटम है, आप उस पर भी एक बहुत चर्चा है कि उस पर क्या टैक्सेशन होता है, क्योंकि डेली यूज करने वाली चीजें हैं, तो जब तक उस पर प्राइसिंग फिक्स नहीं होती और टैक्सेशन फिक्स नहीं होता है तब तक कहना जल्दीबाजी होगा कि किस कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। बट इतना जरूर है कि जो डेली यूज वाली चीजें होंगी गवर्नमेंट उसको लेके बहुत सेंसिटिव है और उसको लोअर टैक्स रेट पे साथ के साथ 0% के टैक्स रेट कहीं पे भी हो सकता है, तो ये एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से हमारी है। जी हिमांशु, करीब करीब 50 दिन कह सकते हैं कि करीब करीब 40 दिन का समय, 40-42 दिन का समय यहाँ पर बचा है जीएसटी रोल आउट होने में, जैसे 1 जुलाई का टाइम यहाँ पर दिया गया है, यू थिंक गवर्नमेंट विल बी एबल टू एक्चुअली सेट एवरीथिंग इन प्लेस एंड देन रोल आउट जीएसटी? ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती है और ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, बट GSTN जो इनका नेटवर्क है वो बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है और बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं जिनको बनाया गया है जो कि GST की इम्प्लीमेंटेशन में, रिटर्न फाइलिंग में, डे टू डे एक्टिविटी के लिए उनको मदद कर सकें। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 25-30 बड़ी कंपनियां, रिलायंस जैसी कंपनी और भी बहुत ऐसी कंपनी जिसको अपने साथ उनको लाइसेंसेस दिए गए। मेरे साथ RC भार्गव साहब फोन लाइन पर जुड़ गए। मिस्टर भार्गव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस? माय फर्स्ट रिएक्शन ये तो यही है कि जीएसटी मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि 1 जुलाई से लाना चाहते हैं और उसको लाने के लिए ये कदम जो आज उठाए गए हैं ये बहुत ज़रूरी थे, तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को और इस कमेटी को बधाई देनी चाहिए कि वो इस फुर्ती से काम कर रहे हैं कि एक्चुअली 1 जुलाई से GST आ पाएगा। सर, 50 दिन का समय बचा है और अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स पर टैक्स रेट डिसाइड नहीं हुआ है, आपको लगता है कि 40 से 42 दिन का जो समय बचा है उसमें एक्चुअली गवर्नमेंट विल बी एबल टू सेट एवरीथिंग इन प्लेस एंड रोल आउट द GST? मुझको तो लगता है कि जिस रफ्तार से लोग चल रहे हैं तो हो जाना चाहिए, अगर विल है तो जरूर हो जाएगा और मेरे ख्याल से विल है तो मुझको तो उम्मीद है कि हो जाएगा। सर, कार्स को किस कैटेगरी में रखा गया है इससे जुड़ी कोई खबर अगर आपके पास हो तो? नहीं, अभी तो नहीं, बट बहुत करके 28% में हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर भार्गव फॉर जॉइनिंग अस। चेयरमैन मारुति सुजुकी के हमारे साथ थे फोन लाइन पर और वेलकम किया यहाँ पर सरकार के इस मूव को। हालांकि अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं आई है, 9 में से 7 नियमों को मंजूरी यहाँ पर मिल गई है और वित्त मंत्री ने ये साफ कर दिया कि कुछ चीज़ों पर जो फाइनल रेट है उस पर कल बातचीत यहाँ पर की जाएगी। श्रीनगर में आज ये बैठक यहाँ पर हो रही थी। हम एक बार आपको फिर से बता दें कि अनाज और दूध GST के दायरे से यहाँ पर बाहर रहे
रहेंगे जैसा कि साफ किया, तो अनाज और दूध जो है वो यहां पर इससे बाहर रहेगा। 43% ऑफ द आइटम्स जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो डेली यूज के आइटम्स होंगे, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, जिन पर फिलहाल करीब करीब 28% का टैक्स लगता है, जीएसटी रेट उसके लिए तय किया गया है 18%, यानी कि अब आप मार्केट रेट से कम पैसा अब आपको चुकाना होगा, यानी कि जो नई एमआरपी होंगी वो पूरी तरह से बिल्कुल नई होंगी। हिमांशु, ये भी समझना चाहूंगी कि अब कंपनियां किस तरह से ऑपरेट करेंगी, किस तरह से काम करेंगी, क्योंकि देखिए जब नए रेट यहां पर रोल आउट हो जाएंगे तो फिर पूरा का पूरा जो उनका अकाउंटिंग टीम है उसको शायद सब चीजों को दोबारा से रीवेरीफाई करना होगा। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी इसमें आएगी क्योंकि चीजों के दाम जो है वो यहां पर बदलेंगे, उसके बारे में अगर कुछ बता सके तो। देखिए चैलेंजेस तो यही है, एक तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज जो आपने बताया वो डिपार्टमेंट के लिए भी है और कंपनी के लिए भी है। तो कंपनी ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारा सेमिनार और बहुत तरह की चीज़ें चल रही है, डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, स्टेट की तरफ से अवेयरनेस फैलाए जा रहे हैं कि कैसे आपको ऑपरेट करना है, कैसे अपने सिस्टम को माइग्रेट करना है। और इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाला जो सॉफ्टवेयर जो भी सिस्टम होगा बहुत स्मूथ होना चाहिए और बहुत हाईटेक, बहुत हाई एंड होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप माइग्रेट कर रहे हैं और चीज़ें स्मूथ नहीं हुई तो हैपेजार्ड हो जाएगी और जो सिस्टम अभी काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी लोगों के लिए। तो डिपार्टमेंट और जो कंपनी है मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें होंगी, एंट्री वैसे ही जाएगी, सारे केवल रेट चेंज हो जाएंगे, जो आदमी या जो सिस्टम काम कर रहा है उसको केवल रेट को समझना होगा और कैसे कैलकुलेशन होगा वो उसको समझना होगा। बाकी इसमें कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होने चाहिए। सिस्टम ऑलरेडी बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं, बहुत ऐसी कंपनी आ चुकी है जो कि अपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें चैलेंजेस कंपनी के एंड से बहुत कम होगा। जो भी चैलेंज होगा गवर्नमेंट के एंड से होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग जो सिस्टम होगा उनका ऑपरेट कैसे करते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे इंड यूजर तक पहुंचा पाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है। जी, तो यहाँ पर जीएसटी रोल आउट है 1 जुलाई से और सरकार पूरी तेजी से यहाँ पर कोशिश कर रही है, और तमाम जो रेट्स हैं कुछ हद तक सामने आ गए हैं। 81% आइटम्स जो हैं उन पर 18% या फिर इससे कम का टैक्स लगेगा, 7% आइटम्स ऐसे रखे गए हैं जो 0% टैक्स स्लैब में आते हैं, फिर उसमें मिल्क और साथ ही साथ अनाज को, दूध और अनाज को इसके दायरे में रखा गया है, 17% आइटम्स ऐसे हैं जिन पर 28% टैक्स स्लैब के दायरे में है, 43% आइटम्स को 18% टैक्स स्लैब के दायरे में रखा गया है, 17% आइटम्स को यहां 12% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। हालांकि डिटेल्स अभी आएंगी कि कौन से ये 14% 18% के जो आइटम्स है कौन कौन से वो आइटम्स है। फिलहाल जो खबर मिली है वो हेयर ऑयल, सोप और इनको यहाँ पर 18% में रखा गया है, फिलहाल आप इसके लिए 28% का टैक्स चुकाते हैं। कोल, जिस पर आप 11.7% का टैक्स फिलहाल चुकाते हैं, उस पर 5% का नया टैक्स यहाँ पर लगेगा। मेरे साथ असीम चावला जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। असीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं और क्या मानते हैं कि जो 40 से 50 दिन बचे हैं उनमें सरकार यहाँ पर रोल आउट कर पाएगी जीएसटी? देखिए, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को सारी सहूलियत देनी होगी, जीएसटी सर्विस सुविधा प्रोवाइडर्स और भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो आउटरीच प्रोग्राम है उसमें उनको बहुत सारा मोमेंटम गेन करना पड़ेगा। प्रोफेशन में भी हम लोगों पे भी दायित्व है कि हम बिजनेस को जितना जागरूक कर सके, जितना एजुकेट कर सके वो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप, एक डिलिबरेट स्टेप जरूर लेना होगा, क्योंकि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है जिसको मैं बिजनेस इंडिया कहता हूँ वो अभी भी कॉरपोरेट इंडिया की तरह जीएसटी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। प्रतिबद्ध तो सारे हैं बट तैयारी की कमियां, और देखिए ये एक कर है, ये एक इसका फाइनेंस से सीधा साधा जोड़ है, तो कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा, और खासकर छोटे तबके का व्यापारी कि उसको वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम हो, उसको क्रेडिट लेने में दिक्कत हो, उसको कंप्लायंसेस की प्रॉब्लम हो, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके पास काफी टीम है, अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है। असीम, मैं आपको एक मिनट के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। राजेश अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, चलिए आपको सुना देते हैं। प्रदेश के वित्त मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो आज जो बैठक हुई उसमें किस किस मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या क्या डिसीजन लिए? सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है, फॉर द गुड ऑफ द नेशन एज वेल एज
हमारा कहना यह है कि वन नेशन वन टैक्स, और उसके हित में जो भी चीज़ें हैं सारी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है उसको लेकर यहाँ पर हर रेट के ऊपर चर्चा हुई है, फिर उसके बाद जो है उसके डिसीजंस माना गया कि 0% और 5% वाले सब मुद्दों को सुलझा लिया गया। विषय ये नहीं है, 0, 5 और 28 की बात नहीं है जी। जो आवश्यक है क्योंकि आगे स्टेट्स को अपना काम भी करना है जी। आगे जो है वो अपनी वर्किंग भी सबको देखनी है, तो उसके आधार पर लग रहा है कि कल की बैठक में सब जितना भी इश्यूज हैं वो सारे लगभग वी होप सो। ठीक है सर, तो ये थे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जिनका कहना है कि कल की बैठक तक सारे मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा और वन नेशन वन टैक्स जो 1 जुलाई से लागू होना है वो लागू हो सकेगा। कैमरामैन निशांत के साथ आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया श्रीनगर। चलिए, श्रीनगर से आलोक प्रियदर्शी थे जो राजेश अग्रवाल से बात कर रहे थे और साफ किया कि 1 जुलाई से GST यहाँ पर लागू हो जाएगा और जो कुछ अहम मुद्दे बचे हैं उन्हें यहाँ पर कल क्लियर कर लिया जाएगा। असीम, आप अपनी बात यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। एक और चीज मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है, इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो कुछ प्रोडक्ट्स पर देखने को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, देखने को मिल सकता है। सर्विसेज की बात करें तो अगर 18% स्टैंडर्ड रेट रहे और अब हम 15 से 18 पे मूव करें तो जितनी सर्विस ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी है उसमें ये 3% का जो इजाफा है इनडायरेक्ट टैक्स होने के नाते जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स या उद्योग बिजनेस जगत है इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर बियर करता है तो वो पास ऑन अगर होता है तो 3% तो देखिए वहाँ है। और उसके अलावा अब जो फिटमेंट है उसमें 18 और 12 जो प्रतिशत है उनमें दारोमदार है क्योंकि अभी 12.5% आप एक स्टैंडर्ड रेट मानते हैं तो अगर 18 की तरफ कुछ गुड्स की फिटमेंट होती है तो वहाँ पर भी है। वर्किंग कैपिटल को लेके सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपने आउटरीच प्रोग्राम से छोटे कर दाताओं को जरूर बताना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल को लेके उनको प्रावधानों को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि जहां भी इन चैलेंजेस में आए कोई भी साइलेंट तरीके से किसी को धक्का ना लगे क्योंकि काफी कुछ रीड बिटवीन द लाइंस है। असीम, एक और चीज यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि जो असेंशियल आइटम्स हैं उन्हें यहाँ पर फिलहाल हेयर ऑयल है, सोप है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, हेयर ऑयल, सोप, इन सबको 18% की कैटेगरी में रखा गया है जिन पर अभी तक 28% का टैक्स लगता था। तो यानी कि आम आदमी की जरूरत को देखा गया है और जो असेंशियल आइटम्स है वो अब सस्ते मिलेंगे आने वाले दिनों में। हाँ बिल्कुल, काफी प्रेशर था गवर्नमेंट पे, अगर आप एक्साइज और VAT को क्लब करके एक GST की बात करते हैं तो मुख्य रूप से अगर एक टैक्स की बात करते हैं तो जहां ओवरलैपिंग टैक्स की वजह से करों में कर दरों में बढ़ावा था वो अगर कुछ कर दर कम हो सकते हैं और उससे कुछ असेंशियल आइटम्स कम हो सकती हैं और क्लासिफिकेशन इश्यूज कम हो सकते हैं तो उससे तो ये तो एक आम नागरिक की भी एक एक्सपेक्टेशन GST से थी कि अगर आप वन नेशन और वन टैक्स की बात करते हैं तो ओवरलैपिंग से अगर टैक्स रेट कम होता है तो वो तो जायज एक्सपेक्टेशन है। चलिए जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इन्फ्लेशन पे मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। हाँ। हमारा जो टोटल GDP है ना उसका 57% जो रेवेन्यू आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर्विस सेक्टर से आता है। अब होगा क्या कि 15% से 18% में जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसको एक देखने वाला होगा कि जो इन्फ्लेशन। हाँ, वित्त मंत्री कुछ कह रहे थे, वो एक बार अपने दर्शकों को यहाँ पर सुना देते हैं GST की इस बैठक के बाद। Well, I think those who are dealing with the case, let them study it and take the next step. Mr. Jetty here is on this side. You know, early in the day, there was this interview given by Mr. Jitendra Singh. So, Mr. Jitendra Singh, who is the minister in PMO, he had given an interview suggesting that because the situation here in the valley is not good and, you know, violence is spiraling out, are there any chances of, you know, replacing Mahbooba Mufti with Chief Minister from BJP? I have not heard of any such move. No. There was an interview, sir. Deepshika, and please let her ask. I am not aware of any such move. No question from you. No, please let her ask now. Here.
these items, as I told you, there are six items to be discussed. They fit into that category. Yeah. Yes, sir. One quick question, anything on the automobile sector? We are more or less clear that 28% broadly, and luxury cars. There are different categories, particularly the luxury vehicles, will attract the cess also, which goes into the compensation pool. So depending upon the size and this, there's a detailed. When the items are released to you on the net, you can go through those. One last question for Shishi. Well, I can only say this, that I had a detailed meeting with the chief of the army staff and all the senior officials of the army last night. The defense secretary designate was also with me. They gave a detailed presentation. And the army's principal job is really to look after the LOC, as also some domestic function as and when it is required. In both areas, the army is fully confident of dealing with the situation. Military strategies are not disclosed or discussed in public. I'm sure we must all have a full faith in the capacity of our army, that whatever effective steps are required, both on the LOC and to ensure normalcy within the state, they will take all the steps. One question from you, sir. Here, sir. No, please. Yeah. Well, it's obvious that there are a certain category of foreign infiltrated terrorists. Mr. Jadhav, let me hear one question. Sir, what? Mera sawal, sir, ye hai ki Srinagar mein baithak karke message kya convey karna hai is GST council? Dekhiye, Srinagar mein ka bahut purana invitation tha. Lagbhag pichle kai mahino se ye invitation tha. और यहां देश के हर प्रांत के मंत्री और अधिकारी आए हैं और यहां की जो स्थिति हम लोगों ने देखी है उसमें काफी सुधार नजर आया है और जितने भी लोग आए हैं आने से पहले हर एक के मन में विशेष रूप से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने जो धारणा बनाई हुई थी वो बहुत बड़े पैमाने में बदली है तो लोग काफी फ्रीली घूम रहे हैं और कल से घूम रहे हैं और मीटिंग के बाद भी कुछ रुकने वाले हैं यस सर दिस इज रिगार्डिंग जीएसटी इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी देयर आर व्यूज फ्रॉम बोथ रूलिंग पीडीपी एज वेल एज अपोजिशन पार्टीज दैट दिस इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ माइट इरोड द टैक्सिंग ऑटोनॉमी ऑफ जेएंडके On its part, the J&K is saying that we are coming up with our own law. I can only tell you this. It is for the state of Jammu and Kashmir and its assembly to decide what they want to do. And I am sure the state will take an appropriate decision. But to any person who understands the taxation system, it is as clear as daylight. That both the state government and the consumers of the state will hugely benefit by integrating the state with the GST. And the reason is the following. Jammu and Kashmir is not a producing state, it is a consuming state. GST is a consumption-based tax. तो जो यहां पे प्रोडक्शन के लिए टैक्स नहीं मिलता जो कंजम्पशन होगी उसके लिए टैक्स मिलेगा और इसलिए जम्मू और कश्मीर के अपना टैक्स रेवेन्यू काफी हद तक बढ़ेगा जीएसटी लागू होने से हर कंजम्पशन स्टेट का बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर भी कंजम्पशन स्टेट है और दूसरा यहां के कंज्यूमर्स को जीएसटी लागू होने से इसलिए लाभ होगा कि उनको जो इनपुट्स दिए हुए हैं किसी भी कोई भी कमोडिटी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो इनपुट्स हैं
उन इनपुट्स का क्रेडिट केवल तब मिलेगा जब वो जीएसटी के साथ इंटीग्रेट होंगे, नहीं तो इनपुट्स में भी टैक्स दिए हुए हैं और फाइनल प्रोडक्ट में भी कंज्यूमर को देना पड़ेगा। सो नॉट इंप्लीमेंटिंग जीएसटी, इफ एनीबडी सेज जीएसटी शुड नॉट बी देयर इन माई स्टेट, देन ही इज इफेक्टिवली सेइंग दैट माई द कंज्यूमर्स एंड सिटीजन्स ऑफ माई स्टेट मस्ट बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। इतने ज्यादा लोगों के खिलाफ they are conducting a special session on this GST and they are planning to bring its own bill similar to the central law. Is central government on board on this proposal with the state government? देखिए, state government fully competent है, यहाँ जो जहाँ की जो संविधानिक व्यवस्था है उसके मुताबिक state government को अधिकार है, वो अपना bill ला सकते हैं। पहले भी ऐसे बिल आते रहे हैं जो सेंट्रल लॉज के साथ इंटीग्रेट होते रहे हैं, ये पहली बार तो है नहीं। उसकी एक मैकेनिज्म और व्यवस्था है जो स्टेट बिल पास करेगी। मैंने आपको कहा कि इसके दो लाभ हैं कि कंज्यूमर्स को सामान सस्ता मिले या महंगा मिले, वो जीएसटी पे निर्भर होगा। मिस्टर जेटली अलायंस पार्टनर, प्लीज लास्ट क्वेश्चन सर, इसको दीजिए। मैडम, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन जे एंड के पीडीपी हैज बीन इशूइंग स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट एवरी डे फ्रॉम पास वन मंथ, स्पेशली रीट्रिएटिंग दैट दे बिलीव इन डायलॉग विद हुरियत लीडर्स। सो व्हाट इज योर बीजेपी स्टैंड एज फार एज डायलॉग विद हुरियत लीडर्स इन कश्मीर इज कंसर्न, एज फार एज द पोलिटिकल सिचुएशन हियर इज? लेट द सिचुएशन इन द स्टेट बिकम नॉर्मल, दैट्स आर टॉप प्रायोरिटी फॉर द मूवमेंट। Now, as and when we decide anything in this matter, the central government will make an announcement. I am not going to speculate today. Sir, this is supplementary. After you took the additional charge of the defense ministry, what's your assessment of the situation on the ground, considering that, you know, we have seen a spike in militant activities in Srinagar in the last couple of months, and also the way the leaders specifically are targeting? Do you think the government here is able to manage the situation, or something really needs to be done? The situation in some parts of the state, particularly in Central Kashmir, had been quite challenging. I found Srinagar to be fairly normal, and therefore, as I also share the impression which my other colleagues who have come from all over the country have, that it is certainly far better and more normal than the impression which the media was conveying to us. Thank you. जम्मू कश्मीर के डायलॉग पर और जम्मू कश्मीर के सिचुएशन पर चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड हैज सेड कि ऑन द मोदी कैन रिजॉल्व दिस कश्मीर इशू। नंबर वन, द अपोजिशन पार्टी इज क्लेमिंग दैट गवर्नर रूल को फिर से लागू किया जाए क्योंकि सीरीज ऑफ किलिंग्स और वायलेंस जो है वो जारी है। देखिए, आज की जो प्राथमिकता है और जो प्रायोरिटी है वो सिचुएशन में अमन और शांति बने, और हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन केवल उसी। चलिए, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरे साथ सिराज हुसैन है, एक्स सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर के। मिस्टर हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर, फूड ग्रेन्स पर 0% जीएसटी, यानी कि किसी तरह का कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा, किस तरह से देखते हैं आप इस खबर को और क्या मानते हैं कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर को इससे थोड़ा बूस्ट मिलेगा? देखिए, ज्यादातर राज्यों में अब तक भी फूड ग्रेन्स पर कोई वैट नहीं था, लेकिन एक दो राज्यों में था। तो ये ऐसी अच्छी खबर है कि फूड ग्रेन्स पर वैट जीरो रहेगा, मगर इससे कोई खास फूड ग्रेन्स के दाम कम होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी जीरो ही था। लेकिन एक चीज और जो अहम है वो ये है कि पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर मंडियों में 14.5-15% के आसपास तक टैक्सेस हैं। तो अभी ये बात वाजे नहीं है, साफ तौर पे नहीं आई है सामने कि उन टैक्सेस का क्या होगा, वो जीएसटी में कहाँ शामिल किए जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जीएसटी पर ये अहम बैठक श्रीनगर में हो रही थी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और तमाम तरह के जो टैक्सेस हैं वो यहाँ पर डिसाइड हो गए हैं। हालांकि अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस बचते हैं जिन पर वित्त मंत्री ने साफ किया कि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर कल उस पर बातचीत की जाएगी।